हेलो एंड वेलकम बैक डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका आज के हमारे इस एपिसोड में। थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया। थैंक यू थैंक यू। सर, कुछ सवाल हमारे टीएमजे से रिलेटेड है। बहुत समय से व्यूअर्स हमारे हमें सवाल कर रहे हैं कि टीएमजे से रिलेटेड हमारी ये प्रॉब्लम है ये, तो मैंने ये कमेंट ऑप्शन में उनको रिप्लाई भी किया था कि जल्दी ही मैं ये सारे सवाल आपके डिस्कस करूंगा नए अगले एपिसोड में। तो जो इसमें पहला हमारा जो क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि टीएमजे प्रॉब्लम क्या है। हाँ, टीएमजे टेम्पोरल मैंडिबुलर ज्वाइंट डिसऑर्डर बोलते हैं इसमें। ये ज्वाइंट एक कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट है जिसमें मैंडिबल टिम्पेनिक बोन से ज्वाइंट होता है और बॉल एंड सॉकेट एंड हिंज ज्वाइंट होता है, और इसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से कुछ लोगों को दर्द भी होता है, कट कट की आवाज़ आती है, उसी को हम टीएमजे डिसऑर्डर बोल देते हैं, जिससे कि जबड़े को चलाने में कुछ दिक्कतें आती हैं और पेशेंट डिस्कम्फर्ट महसूस करता है। सर, ये प्रॉब्लम किस कारण से होती है? हाँ, इस प्रॉब्लम के कारण तो तीन चार मुख्य कारण हैं, जिसमें सबसे मुख्य कारण है हमारा कि चोट लगना, चाहे वो एक्सीडेंटल से हुई हो या किसी और तरीके से ट्रॉमा हो गया हो, गिर गए हों हम या किसी ने मार दिया हो हमें, उसकी वजह से ही ये हो सकती है। दूसरा कारण है कोई सिस्टमिक डिजीज़ हमारी बॉडी में हो, जैसे आर्थराइटिस है, ज्वाइंट पेन है, इस तरीके की डिजीज़ है, या कोई ट्यूबरकुलर है, उस तरीके से वोन टीबी है, या और भी कोई सिस्टमिक डिजीज़ है जिसमें हमारा ज्वाइंट इन्वॉल्व होता है, तो ये प्रॉब्लम अक्सर हो जाती है। और तीसरा जो मुख्य कारण मुझे लगता है, स्ट्रेस, एंजाइटी। कुछ लोगों में ओवर स्ट्रेस होते हैं, एंजाइटी होती है, उस एंजाइटी के कारण हम दांतों को अननेसेसरी भींचते हैं, ब्रक्सिज्म जैसे बोलते हैं, ब्रक्सिज्म करते हैं, या कुछ पान मसाला अननेसेसरी चबाते रहते हैं, एक साइड से खाना खाते हैं, एक साइड का दांत ख़राब है, दूसरी साइड से खाना खा रहे हैं लगातार, उससे भी ज्वाइंट एबनॉर्मलिटी आ जाती है और पेन होता है हमारा। ओके, इसका जो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कारण भी हो गया कि केयर या फिर मेडिसिन के बारे में अगर आगे चले, तो फिर क्या सर इस बारे में अगर डायग्नोसिस पार्ट के ऊपर हम जाएं तो क्या? हाँ, सबसे पहले तो हमारी ये डायग्नोसिस बनना चाहिए कि इसका कारण क्या है। हाँ, कितना ख़राब है हमारा, तो उसके लिए डायग्नोसिस में हम MRI भी कराते हैं, CT भी कराते हैं, OPG भी कराते हैं, तो किसी नज़दीकी अच्छे सेंटर पे जाके या किसी मैक्सिलोफेशियल सर्जन से मिलके उस पार्ट की MRI है, CBCT है, या CT है, या OPG है, ये कराएं, जिससे कि हमें ये पता लगे कि हमारा पार्ट कितना ख़राब है और क्या है। और इससे पहले आप किसी अच्छे नज़दीकी डेंटल सर्जन से मिलिए, उसको अपनी प्रॉब्लम बताइए, वो कुछ जांचें लिखेंगे, उन जांचों को कराइए, तो उससे समाधान और अच्छे से बन सकता है। ओके, क्या मेडिसिन का अगर पार्ट के बारे में हम जाएं, बहुत सारे लोग मेडिसिन के बारे में भी है टीएमजे से जुड़ी हुई, तो क्या उस बारे में वो क्या कर सकता है? हाँ, एक्यूट प्रॉब्लम है किसी का, जैसे जमाई लेते समय हमारा जबड़ा अटक गया वहाँ पे, या अभी सडनली सेट हुई है ये प्रॉब्लम, तो ऐसे उस केसेस में, या हमने बहुत बड़ा मुंह बाइट कर दिया किसी कारणवश, तो ऐसे केसेस में कुछ मेडिसिंस हैं जिनको मैं बताता हूँ अक्सर, कि मसल रिलैक्सेंट है, उसको अगर आप खाएंगे तो आराम मिलेगा। मसल रिलैक्सेंट के नाम भी बता देता हूँ, मायो इस्पास TH 4 mg की सुबह शाम ले सकते हैं। अगर पेन बहुत ज़्यादा है, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है, तो मायो इस्पास TH 8 mg वाली सुबह शाम ले लीजिए। नाइस MR ये सुबह शाम ले सकते हैं, ये भी मसल रिलैक्सेंट है। इनमें एक ही दवाई लेना है, कोई सी भी एक लें, या फिर जीरोडॉल TH, ये भी 4 mg और 8 mg दोनों में आती है, सुबह शाम ले सकते हैं। इसके साथ में अगर पेशेंट ओल्ड एज में है या अर्ली एज में है, तो कैल्शियम सप्लीमेंट भी बहुत तरह के आते हैं, उनको ले सकते हैं, जिसमें कुछ नाम मैंने बताए भी थे, YOD3+ ये कैप्सूल आता है, इसको आप दिन में एक बार ले सकते हैं, अगर ज़्यादा लेना चाहें तो सुबह शाम भी ले सकते हैं। कुछ कैल्शियम के सैचिट आते हैं जो हफ्ते में एक बार पिए जाते हैं, दूध के साथ उसका भी सेवन कर सकते हैं। यंग एज में सामान्यतः कैल्शियम की ऐसी कमी नहीं होती है जिसकी वजह से TMJ में कोई प्रॉब्लम हो, सामान्यतः ये ओल्ड एज में होती है, जब हमारा कैल्शियम डिप्लीशन ज़्यादा हो जाता है, कैल्शियम की खपत ज़्यादा होती है, या बच्चे हैं मान लीजिए उसमें कैल्शियम की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, तो वहाँ पे हमें कैल्शियम सप्लीमेंट देने पड़ते हैं। सामान्यतः आप मसल रिलैक्सेंट ले लीजिए। तीसरा पार्ट है कोई एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है बहुत, नींद सही से नहीं आ रही है, डिप्रेशन में है, तो उसको मैं पहले सलाह ये दूंगा कि अपने नज़दीकी किसी साइकेट्रिक या काउंसलर से मिलिए, मनोचिकित्सक से मिलिए, वो कुछ ना कुछ दवा उसमें बताएंगे। और सिंपल एंटी एंजाइटी में हम एल्प्रेक्स ले लेते हैं सुबह शाम,
0.25 mg की जो आती है उसको ले सकते हैं। शाम को सोते समय लेना है उसको, बहुत लंबे समय तक नहीं लेना है। अगर आपको लगता है कि रिलैक्स हो गए हैं तभी तक लेना है, उसके बाद ऐसा नहीं कि लंबे समय तक हम लेते रहें उसकी हैबिट बन जाए हमें, तो ऐसा नहीं करना है। और पहले नज़दीकी किसी मनोचिकित्सक से ज़रूर सलाह ले लें। यानी इसमें सर काउंसलिंग का भी पार्ट एक जुड़ जाएगा साथ में आगे चल के। हाँ, तीसरा पार्ट यह है कि मनोचिकित्सक से मिलकर जो आपकी एंटी एंजाइटी का एंजाइटी का कारण है, स्ट्रेस का जो कारण है, उसको बिल्कुल खुले दिमाग से आप बताइए, बिल्कुल खुले मन से बताइए। और इसके लिए साइकेट्रिक हर जिला चिकित्सालय में मन कक्ष बने हुए हैं, उसमें साइकेट्रिक बैठते हैं, मनोचिकित्सक बैठते हैं, और हमारे काउंसलर भी जिला अस्पताल में बैठते हैं, जिनसे आप संपर्क कर सकते हैं। अपनी मन की बात को शेयर करिए, पूरी खुल से सब बात बताइए खुलकर, और वो कुछ ना कुछ आपको सलाह जरूर देंगे, काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग का बहुत बड़ा प्रभाव है, 80-90% प्रॉब्लम हमारी काउंसलिंग से सॉल्व हो जाती हैं। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज वाली प्रॉब्लम है, जैसे एक्यूट प्रॉब्लम है, किसी को खाली कटकट की आवाज़ आती है, चबाने में कुछ दिक्कत होती है, तो ऐसे लोगों के लिए मैं कुछ एक्सरसाइज बता दे रहा हूँ, उन एक्सरसाइज का इस्तेमाल करिए, उससे भी बहुत हद तक समस्या सॉल्व हो जाएगी। इन एक्सरसाइज में हम अपने जाके मूवमेंट का अपोज करते हैं। सपोज कि मुंह को खोलना चाह रहे हैं आप, तो चिन के नीचे आप अपने हाथ हथेली लगाइए और मुंह को बड़ा खोलने की कोशिश करिए, और हथेली से जबड़े को ऊपर की तरफ धकेलिए। जबड़े आपको आप बंद करने की कोशिश कर रहे हैं मुंह को, और मुंह आप खोलने की भी कोशिश कर रहे हैं। आप मुंह खोलने की कोशिश कर रहे हैं और हाथ से जबड़े को अपोज कर रहे हैं, उस खोलने का अपोज कर रहे हैं, माउथ ओपनिंग का अपोज कर रहे हैं। इसी तरीके से माउथ क्लोजिंग का अपोज करेंगे, तो फिंगर्स को टीथ के ऊपर रख के नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे और जबड़े से बंद करने की कोशिश करेंगे, तो ये माउथ ओपनिंग का अपोजिशन हो गया। इसी तरीके से जब मूवमेंट में राइट साइड में ले जाते हैं, तो राइट साइड में ले जाने के लिए आप अपोज करिए, लेफ्ट साइड में ले जाते हैं तो लेफ्ट साइड से अपोज करिए इस मूवमेंट को। और इसके अलावा कुछ मसल्स की मसाज है, मसाज में टेम्पोरल मसल्स यहाँ पर होती हैं हमारी, इनको हम इस तरीके से मसाज कर सकते हैं। नीचे वाले में करना है, नीचे से ऊपर की तरफ इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे किसी ऑयल का भी सपोर्ट ले सकते हैं, घरेलू एकदम उपचार बता रहा हूँ, सरसों का तेल ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, या बहुत सारे हमारे पेन रिलीवर ऑयल आते हैं मार्केट में, उनको लेके मसाज कर सकते हैं, जिससे कि हमारे ये जॉइंट की जो मांसपेशियाँ हैं ढीली पड़ जाएँ और हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। सर ये मसाज कितने बार करनी है? हाँ, ये सुबह शाम तो एटलीस्ट तो कर ही लें, जरूरी है सुबह शाम एक्सरसाइज इसकी ज़रूर करें, और दिन में अगर समय मिलता है तो दिन में भी एक दो बार कर सकते हैं। 5 मिनट की मुश्किल समय लगता है इस सब काम में, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत है। ये सब कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में आते हैं, काउंसलिंग का बहुत फायदा है और एक्सरसाइज का बहुत फायदा है। थैंक यू सो मच सर। और आज आपने जो ये इन्फॉर्मेशन दी, साथ ही साथ जो पिछली वीडियोस में दी, जो अगर व्यूअर्स देखना चाहें तो वो इस आई बटन पर क्लिक करके वो भी वीडियोस देख सकते हैं, और आज की जो इन्फॉर्मेशन है ये तो डिफरेंट है ही है। और थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन सर। आज की जो वीडियो में जो रहा है हमारा, वो काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा हमारे उन पेशेंट्स के लिए जिनको TMJ की प्रॉब्लम है। थैंक यू सो मच।